अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग पीपल पर आवर की जो प्रोफाइल है उसकी सेटिंग्स किस तरह से करेंगे। अभी तक हमने प्रोफाइल क्रिएट की और बेसिक से डमी सेटिंग्स की थी प्रोफाइल अप्रूवल के लिए। वो सारी चीज़ें हो गई हैं, डैशबोर्ड का ओवरव्यू आप लोगों ने देख लिया है। अगर अभी तक ये लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ये सारे लेक्चर्स देख लें। तो आज हम जो पीपल पर आवर की जो प्रोफाइल थी उसकी सेटिंग्स करेंगे और कौन कौन से सेटिंग्स नेसेसरी हैं, किस तरह से अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से करें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, योर प्रोफाइल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। मतलब जो भी चेंजेस हमने की थी अपनी प्रोफाइल के अंदर, जो प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज चेंज की थी, तो यहाँ पे देखें वो जो है हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। और सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, गो टू प्रोफाइल, इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें ये मेरे प्रोफाइल जो है सेटअप हो चुकी है। जो भी कवर इमेज और प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगाई थी वो यहाँ पे अच्छे तरीके से शो हो चुकी हैं, राइट। तो ये जो बेसिक सेटिंग थी ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बाकी सेटिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है। नेम हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, प्रोफाइल पिक्चर और ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है जॉब टाइटल की। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोगों ने जो टाइटल है वो बहुत ही केयरफुली और अच्छे तरीके से यूज़ करनी है। अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी है। तो अब देखिए मैं किस तरह से इस पूरे टाइटल को डिज़ाइन करता हूँ। लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। अच्छा, एंड की जगह पे मैं ये साइन यूज़ कर दूँगा ताकि हमें वर्ड्स बच जाए हमारे। और मैंने कुछ इस तरह से साइन दे के और मैं यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स लिख दूँगा, वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई, स्क्वेयर स्पेस एंड एसईओ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से अपना जो टाइटल है उसके अंदर अपनी सारी जो स्किल्स हैं वो सारी इस तरह से कुछ मेंशन कर दी हैं। और आप भी अपनी स्किल्स, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वेबसाइट ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर आगे टूल्स जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने टाइटल के अंदर अपने आप को जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास हैं योर स्किल्स, तो यहाँ पे आपने टोटल 15 की 15 स्किल्स ही ऐड करनी है। यहाँ पे ये यह हमने डमी डाली थी स्टार्टिंग के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोफाइल अप्रूवल। अब हम यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से अपनी जो हमारी रियल स्किल्स हैं उनको डालेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिखेंगे और यहाँ पे कुछ सजेशंस आ जाएंगे। अगेन वर्डप्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे फिर सजेशंस आ जाएंगे। तो मैं जब तक सजेशंस आ रहे हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेन स्किल इस प्रोफाइल की हमने यही सिलेक्ट की है। तो मैं अभी के लिए यही सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और इससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे, राइट। ओके, वर्डप्रेस वाले कीवर्ड यहाँ पे टारगेट हो गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा विक्स, और यहाँ पे देखें विक्स का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉपिफाई, शॉपिफाई की देखें यहाँ पे शॉपिफाई, अगेन शॉपिफाई और अगेन शॉपिफाई। देखिए शॉपिफाई के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमने टारगेट कर लिए। अब यहाँ पे विक्स का कोई आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विक्स के प्रोजेक्ट्स नहीं है। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुझे देखने को विक्स के ही मिले हैं यहाँ पे। तो आप विक्स अगर आपको नहीं आता तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कोर्स वो अपनी इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं विद इन 2 to 3 days अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ स्क्वेयर स्पेस, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वेयर स्पेस आ गया। आई थिंक वो ऐड नहीं हुआ, ओके स्क्वेयर स्पेस आ गया। 1, 2, 3, 13 स्किल्स हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ एसईओ के रेलिवेंट लिख देता हूँ, एसईओ मोज या एसईओ या फिर सर्च कंप्लीट लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे सर्च और सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 स्किल्स मैंने एग्जैक्टली हाईली टारगेट करके अपनी जो स्किल थी उससे रेलिवेंट ही कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, और जो सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो भी मुझे सजेशन में शो हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे शो कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अबाउट आवर सेल्फ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी ऑलवेज।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, माई सेल्फ तौसीक अदर एंड आई एम वेबसाइट डिजाइनर एंड डेवलपर, वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मी। तो ये चैट जीपीटी को मैंने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी और यहाँ पे देखें ये छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे अबाउट लिख देगा जिसको मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखें इसमें काफ़ी लेंथी जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज़ नहीं की, वो नहीं लिखी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं उठाऊँगा और मैं आ जाऊँगा वापस अपनी प्रोफाइल के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो है, इन पोर्टफोलियोज़ को मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये जस्ट हमने डमी ऐड किए थे, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल अप्रूवल के लिए। तो अभी मैं मेरे पास कुछ यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वो है मौजूद। तो आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो अब आपने कहाँ से लेने हैं, पोर्टफोलियो आप गूगल से भी उठा के यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास इनके स्किल है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है, किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो आप गूगल से उठा सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट से उठा सकते हैं जैसे ड्रिबल हो गई या इस तरह की और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हो गई, वहाँ से आप कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो उठा के अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो Behance.net है, इसके अलावा 99 डिज़ाइन है, इस तरह की और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे से अच्छे से जो डिज़ाइन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा किसी और का जो पोर्टफोलियो वो आप यूज़ करें, कोशिश करें कि परमिशन ले लें, अगर नहीं ले सकते तो फिर गूगल से उठा के यूज़ कर सकते हैं। और स्टिल अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो है तो और वो अच्छा पोर्टफोलियो है तो आप उसी को ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियोज़ मौजूद थे तो मैंने उनको यूज़ किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने उनको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो अपने कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट करूँगा। लेट्स सपोज वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन विद ई कॉमर्स विद वूकॉमर्स, वूकॉमर्स बेसिकली प्लगइन है हमारे पास। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपने अपने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इनको ऐड कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे आपने अपने स्किल के मुताबिक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और यहाँ पे ये काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पर देखें आप जितने चाहे पोर्टफोलियोज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बेसिक 4 से 5 ही यूज़ किए। यहाँ पे हमने लोकेशन सेट कर दी इंग्लिश, यहाँ पे हमने लैंग्वेजेस आपने एग्जैक्टली ऐसे ही सेट कर देनी, इंडस्ट्रीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखें हमें जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें IT है, इंटरनेट है, मार्केटिंग है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है और एडवर्टाइजिंग यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली 5 और यहाँ पे मेरे पास जो आवरली रेट है इसको यूज़ करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे और नंबर फ़ोन नंबर हम पहले डाल चुके हैं तो इसको करके हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे देखें हमने जैसे इसको सेव किया तो ये हमें ले आए इसी तरह पे, और कुछ ही देर में आपको कुछ इस तरह की ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपने जो चेंजेस किए हैं अपनी प्रोफाइल में वो अप्रूव हो चुकी हैं। तो फिर ये जो जितनी भी चीज़ें आपने ऐड की हैं वो सारी आपके प्रोफाइल के अंदर शो हो जाएंगी। तो ये थी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स, बेसिक क्या बल्कि कंप्लीट ही सेटिंग्स थी। तो यही सेटिंग्स हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर करनी है, बट मेक श्योर कि अपनी स्किल के रेलिवेंट जो हैं आपने डिटेल्स वहाँ पे ऐड करनी है, कीवर्ड्स वहाँ पे ऐड करने हैं, पोर्टफोलियो वहाँ पे अपने डिटेल्स से मुताबिक ऐड करने हैं। कुछ चीज़ें वो जो मैं भूल गया हूँ उसको मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है लेफ्ट साइड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्किल्स वगैरह ऐड हो गई हैं, ये वाली चीज़ें मैं भूल गया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नॉट प्रमोशन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये जो फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन, एप्पल को छोड़ दें, फेसबुक और लिंक्डइन, इनको लाजमी आप लोगों ने कनेक्ट करना है। आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक का अकाउंट अपने नेक्स्ट ऐप के ऊपर लॉगिन कर लेना है, इसी तरह से लिंक्डइन का अकाउंट भी नेक्स्ट ऐप के ऊपर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा, आप उसको अलाउ करते जाएंगे तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली शो नहीं होंगे बट कनेक्शन होगा और आपकी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये थी टोटल सेटिंग्स जो कि आपने पीपल पर आवर की प्रोफाइल के ऊपर परफॉर्म करनी है। आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से ऑफर्स के अबाउट काम करेंगे, की किस तरह से लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से मैंने प्रोफाइल की सेटिंग की और आपने किस तरह से करनी है अपने स्किल के अकॉर्डिंग। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।